माखन तो सिर्फ बहाना है, असली मकसद तो गोपियों के चित्त को चुराना है। भगवान इन गोपियों की आनंद देने के लिए ये सब लीला कर रहे, ताकि गोपी पूर्ण आनंद में परिवृष्ट हो जाए। जो लीला आज तक कोई दूसरा देव न कर पाया हो, जो आनंद भगवान को, क्योंकि कृष्ण अवतार से पूर्ण जो अवतार हैं, उनमें प्रेम का स्थापना नहीं है, और कृष्ण अवतार पूरा की पूरा पूर्ण जो है वो प्रेम अवतार है, इसलिए भगवान ने इस प्रेम को सिद्ध किया है गोपियों पर कृपा करते हुए। इस प्रकार भगवान ब्रज में लीला कर रहे हैं। फिर प्रभु की इच्छा जागी तो सब लोगों ने मिलकर निश्चय किया कि ब्रज में बहुत सारे दैत्य आते, इसलिए क्यों ना कोई नया अच्छा स्थान ढूंढा जाए। उपनंद आदि सभी ने मिलकर निर्णय किया कि श्रीधाम वृंदावन सबसे अच्छा स्थान है, सुरम्य वन है, वातावरण है, गैया भी जहाँ निश्चिंत होके चारा खा सकती है, तो सब लोग जाकर के वहाँ रहने लगे श्रीधाम वृंदावन में। अब भगवान अपने 5 वर्ष की आयु में अपनी मैया से एक दिन हट कर बैठे कि मैया हम गैया चरावे जाएंगे, और मैया पहले तो लाला को मना करती है, किंतु फिर देखा कि लाला नहीं मानेगा तो मैया आज्ञा दे देती है और गौचारण प्रारंभ होता है। भगवान सुंदर वत्सों को लेकर के गौचारण के लिए जाते हैं। 5 वर्ष के थे भगवान जब से भगवान ने गैया चराना प्रारंभ किया है। गौचारण में प्रभु अपने ग्वाल बालों को साथ लेकर के जाते हैं, गैया चरती हैं और भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ बैठ के भोजन करते हैं। एक दिन प्रभु अपने ग्वाल बालों के साथ छुपम छुपाई खेल रहे थे तो अघासुर नाम का दैत्य अजगर के रूप में आता है और सब ग्वाल बाल उसके मुख में प्रवेश करते हैं, किंतु प्रभु भी प्रवेश करके अपने आकार को बढ़ाते हैं और आकार बढ़ा के प्रभु अजगर का मुख फट जाता है और भगवान उसका उद्धार करते हैं। मुख से बाहर आए, सबको भूख लगी है और वैसे भी आज भोजन उत्सव का भोज उत्सव आज निर्णय किया गया है, इसलिए सब ग्वाल बाल अपने अपने घरों से कन्हैया के लिए सुंदर सुंदर पकवान, सुंदर व्यंजन कन्हैया के लिए बना के लाए हैं। सबने आके भोजन परोसा, प्रभु भोजन प्रसाद खाने लगे और प्रसाद लेते लेते प्रभु की जो नियम है उस अनुसार प्रभु ना तो अकेला खाते हैं और ना अकेला खाने देते हैं, इसलिए सब ग्वालों का ले रहे हैं और अपना ग्वालों को दे रहे हैं। पर हद तब हो गई जब भोजन करते करते झूठा खाया, एक थाली से खाया, वो तो अलग विषय था, ब्रह्मा जी चुपके देख रहे, झूठा खा लिया, थाली का खा लिया, हाथ धोए नहीं, पैर धोए नहीं, गंदे हाथ उससे भोजन कर लिया, यहाँ तक तो ब्रह्मा जी ने चलो ठीक है, पर उसके बाद जब एक समय आया भगवान का मित्र मनसुखा चुपचाप छाछ पी रहा था, उसके मुख में छाछ थी, भगवान गए जाके जोर से मुक्का बना के उसके गाल पे मारे, जैसे गाल पे मारा मुंह से छाछ निकल आई, और जैसे छाछ निकली भगवान ने अपना मुंह खोला और छाछ को पी गए। अब ब्रह्मा जी को शंका, ये कैसा भगवान, ये कैसा परमात्मा है जिसको ये तक नहीं पता हो कैसे भोजन करना, क्या नियम, क्या ध्यान, कुछ नहीं पता, झूठा हाथ, झूठे पैर, गंदे हाथ पांव हुए हैं, आते ना भोग लगाया ना हाथ जोड़े खा गए, झूठा खा लिया, मुख से निकली चीज खा लिया, ये कैसा भगवान, परीक्षा लो इसकी, जरूर कुछ गड़बड़ है, जरूर कोई बहरूपिया है, भगवान भगवान नहीं, शंका हो गई। तो किया क्या, बोले सब ग्वाल बाल बछड़ों को हरण करके ब्रह्मा जी अपने लोक ले, भगवान तो अंतर्यामी है, जान गए ये सब किसने किया है। तब श्री ब्रह्मा जी को
उनकी शंका को दूर करने के लिए भगवान ने लीला की। क्या? प्रभु ने अपने ही स्वरूप से ग्वाल बाल बछड़ों को प्रकट किया, और स्वरूप से ही प्रकट नहीं किया, भगवान खुद ग्वाल बाल बछड़े बन गए। स्वयं भगवान ने ग्वाल बाल बछड़ों का रूप धारण कर लिया, और भगवान स्वयं रूप धारण करके गैया चराने लगे। एक वर्ष तक लगातार गाय चराते 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 एक दिन ब्रह्मा जी को लगा, चलो पृथ्वी पर आज जरा उस बहुरूपिया को भी देखा है क्या कर रहा है। तो जैसे श्री ब्रह्मा जी आए, देखा सब ग्वाल बाल बछड़े भोजन कर रहे हैं और सब बछड़े चारा खा रहे हैं। ब्रह्मा जी की खोपड़ी घूमी। ब्रह्मा जी ने विचार किया, ये सब यहां कहां से आ गए, हम तो इनको ब्रह्मलोक में कैद किए हुए हैं, लगता है वहां से चुरा लाया, बहुरूपिया के साथ साथ चोर भी है। ब्रह्मा जी दौड़ के ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मलोक जाके देखा ग्वाल बाल बछड़े वहीं बैठे, वापस पृथ्वी पर आए वहां भी बैठे। ब्रह्मा जी को अब पता चला। अब जब ब्रह्मा जी पृथ्वी पर घूम रहे थे, ठाकुर जी ने सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा मजाक इनको चखाना चाहिए, तो प्रभु खुद ब्रह्मा का रूप बना के ब्रह्मलोक पहुंच गए। और जितने भी द्वारपाल हैं उनको कह रहे, देखो भैया हम अभी पृथ्वी से ही घूम घाम के आ रहे, सब जगह देख कर के आ रहे, हमने देखा आजकल पृथ्वी पर बहुत बहुरूपिया घूम रहे हैं और सब अपने आप को ब्रह्मा बताते हैं, हम ब्रह्मा हैं, हम ब्रह्मा हैं, इसलिए हम तुमको पहले ही सावधान कर रहे, कोई आदमी आए ना यहाँ और कहे कि मैं ब्रह्मा हूं तो धक्के दे के भगा देना। द्वारपाल बोला आप चिंता ना मत करो, आप हमारे स्वामी, आप आपकी आज्ञा तो हम पालन करेंगे, आप बस जाइए, प्रभु चले गए। अब ब्रह्मा जी बेचारे हारे थके पहुंचे। अब जैसे पहुंचे तो द्वारपाल डंडा लगा के खड़ा हो। ब्रह्मा जी बोले, मूर्खो क्या कर रहे हो, ये कुछ नशा किया है क्या, अपने अपने स्वामी को मालिक को रोकते हो। बोले हाँ, बहुत देखे तुम्हारे जैसे स्वामी, बहुत घूमते धरती पर तुम्हारे जैसे, ब्रह्मा बने स्वामी बने चलने, हमारे स्वामी ने सब सिखा दिया हमें पहले से। ब्रह्मा जी सोचे ये क्या हो गया, एक तो ठाकुर जी के ऊपर शंका की, इतना बड़ा पाप किया, ऊपर से गद्दी भी छिन गई, ये क्या है, कौन है ऐसा। आग बंद की तो देखा अंदर स्वयं सिंहासन पर वंशी हाथ में लेकर के श्री ठाकुर जी मुस्कुरा रहे। अब श्री ब्रह्मा जी को पता चला, अब पता चला कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हुई, मैंने भगवान को क्या समझ लिया, अभिमान आ गया कि मुझसे बड़ा रचयिता कोई नहीं, पर मैं ये भूल गया कि मेरा भी रचयिता कोई है, मुझे भी बनाने वाला वो है। आकर के प्रभु से क्षमा मांगी, भगवान क्षमा करते हैं, कृपा करते हैं। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना ब्रह्मा जी ने की और भगवान ने उनको क्षमा दान दी।